1 जून 2024 शनिवार को ज्येष्ठ कृष्ण दशमी है और इस दिन महाप्रभु जी के अभिन्न परिकर श्री नारद जी के साक्षात अवतार भक्त तत्व श्रीवास पंडित जी का आविर्भाव दिवस होता है। तो सभी वैष्णवजनों को श्रीवास पंडित जी का आविर्भाव महोत्सव मनाना चाहिए। अपने राज्यवाद में वैष्णवों के द्वारा श्रीवास पंडित जी का अभिषेक होता है, वृंदावन में आश्रम पर भी श्रीवास पंडित जी का उत्सव होता है और हम भी यहाँ मनाएंगे कथा के मध्य में। और आप सब भी जहाँ हैं मंदिर में पंच तत्व की सेवा विराजमान है ही, तो उसमें सबसे कोने में जो हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं वह श्रीवास पंडित जी हैं। तो सबको उत्सव मनाना चाहिए। नाम भगवान की सेवा है तो कुंती निशान नाम भगवान है, उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और फिर भोग लगाना चाहिए और ठाकुर जी को तिलक करना चाहिए। महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी, अद्वैत प्रभु जी, गदाधर प्रभु जी, इनके पश्चात फिर शिवास पंडित जी को तिलक करना चाहिए और भोग आरती करनी चाहिए। शिवास पंडित जी के आंगन से ही हमारे ठाकुर निताई गौरांग देव ने कीर्तन लीला को प्रारंभ किया। शिवास पंडित जी का घर वह गंगोत्री है, वह गौमुख है जहाँ से इस कलयुग में नाम वाली गंगा प्रवाहित हुई, जिस नाम वाली गंगा में हम आप सब अवगाहन करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो सारा वैष्णव समाज, सारा जगत शिवास पंडित जी का चिरऋणी है। वैसे शिवास पंडित जी का आविर्भाव भी यथासंभव सबको मनाना चाहिए। शिवास पंडित जी के चरित्र का पाठ करना चाहिए अथवा शिवास पंडित जी के चरित्र को श्रवण करना चाहिए और यथासंभव श्री हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो 1 जून 2024 शनिवार को शिवास पंडित जी का आविर्भाव दिवस है। जय जय श्री राधे कृष्ण।